काफ़ी बढ़िया फील आ रहा है यहाँ पे मुझे तो। ठीक है, मुझे यही सबसे बढ़िया अभी तक का जो भी किया मैंने, जापानी टेंपल और यहाँ पे और भी व्यक्ति सब ठीक है हुए हैं, लेकिन मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ और बस तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये रूट ठीक बनाया गया है इधर जाने के लिए, यहाँ पे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा होर्डिंग लगाया गया है। जैसे ऊपर ऊपर पर जाते रहते हैं वैसे तो कुछ अलग ही फील आते हैं। यहाँ पे लेडीज की जगह 15 रुपये और पानी 32 रुपये ले रहा है, इस तरह से सही है क्योंकि यहाँ का मौसम सुबह सुबह काफ़ी कूल है। तो हम यहाँ पे आ गए, कल भी आए थे और अभी भी आए, तो मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो का पार्ट है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा 10 मिनट 12 मिनट का ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हो तो ज़्यादा रहा है लेकिन ब्लॉगिंग उतना ही कर रहा है। तो अब यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है तो सुबह सुबह दर्शन करते हैं इनका। यहाँ पे दुर्गा माता जी का दर्शन हो गया है और यहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे पहाड़ पे फिर से। चलिए दिखाते हैं आपको पहाड़, जो कि अभी सुबह सुबह का मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा पहाड़। तो ये यहाँ पे ब्रह्म कुंड मंदिर, जब भी आप आ रहे हैं तो पहाड़ का एडवेंचर जरूर कीजिएगा। तो अभी तो हम जा रहे हैं पहाड़ पे ही क्योंकि कल आए थे तो बंद था। ये है ब्रह्म कुंड द्वार जो कि पीछे का है और यहाँ पे जो स्पेस है जो कि काफ़ी अच्छा है जाने के लिए। सुबह सुबह का मौसम है तो एक्सरसाइज भी हो जाए साथ, मेन गेट से होते हुए भी ये लास्ट है, इसके अंदर मंदिर वगैरह है। तो यहाँ पे बहुत जन आए हुए हैं जो कि स्नान करने, और यहाँ से एक लेफ्ट रास्ता जाता है जो पहाड़ के ऊपर जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पहाड़ की तरफ रास्ता, ये पहाड़ का रास्ता है, ऊपर पत्थर वगैरह लगा के लोकेशन पॉइंट बनाया गया है। तो अभी हम ऊपर ही चल रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शायद वो ब्रह्म कुंड मंदिर से कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए अभी सुबह सुबह का सनराइजिंग का समय है तो जो काफ़ी कूल लग रहा है देखने में मुझे। तो ऊपर से व्यू पॉइंट दिखेगा। फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे स्टे आउट मतलब बैठने की जगह है और थोड़ा लंबा चौड़ा स्पेस है प्लेन करके बनाया गया है, तो वहाँ से काफ़ी कूल लग रहा है देखने में नीचे की तरफ। तो मैं चढ़ते चढ़ते थक गया हूँ तो इसीलिए मेरा सांस फूल रहा है, और मैं बता रहा हूँ आपको ब्रह्म कुंड मंदिर किधर है। यहाँ से जस्ट सामने जैसे देख पा रहे हो ये वहाँ पे ब्रह्म कुंड मंदिर है, और यहाँ पे नीचे ऊंचाई लगभग लगभग कितना हुआ मुझे पता नहीं, उतना अनुमान में लगाया नहीं सकता, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और जस्ट इसके पीछे सूर्य का जो राइजिंग है वही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मेरा फर्स्ट नहीं है कि मैं जो यहाँ पहाड़ पे आया हूँ, इससे पहले भी मैं पहले दार्जिलिंग वगैरह में गया था तो वहाँ पे पहाड़ पे मैं चढ़ा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और इससे भी ऊपर एक जगह है पीछे जो इससे भी ज़्यादा ऊंचा है, तो वहाँ पे जाने का रास्ता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन और होगा तो ज़रूर जाएंगे क्योंकि मेरे पास पूरा अभी टाइम है 10 बजे तक, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी बढ़िया फील आ रहा है यहाँ पे मुझे। तो ठीक है, मुझे यही सबसे बढ़िया अभी तक का जो भी किया मैंने, जापानी टेंपल और क्या था वेन्यू वन में तो अभी गया नहीं हूँ, वेन्यू वन में जाऊँगा तो पता चलेगा, और एक पांडु पोखर था जो वो सबसे सबसे अभी मुझे अच्छा लगा है। और पहाड़ का बात ही अलग है, कभी आइए पहाड़ में तो बताते हैं ऐसे क्या मज़ा है, पहाड़ का फील ही अलग होता है। तो मैं तो ये मतलब मरा हुआ पहाड़ जैसा है, लेकिन मैं यहाँ से दार्जिलिंग साइड में चले जाए वहाँ पर बहुत इससे भी ज़्यादा फील अच्छा आता है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब इससे भी बढ़िया फील आएगा, ये तो मरा हुआ पहाड़ है। और यहाँ पे टूरिज्म मतलब बिहार का सबसे पॉपुलर टूरिज्म यही सब है। अगर आप आ रहे हैं तो ये तीनों लोकेशन लगभग लगभग 100 मीटर के आसपास में है, तो आप ज़रूर आइए विजिट कीजिए। मेरे को जो पर्सनली लगा ओपिनियन में वो बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप एक बार आकर ज़रूर विजिट कीजिए।
और ये बिहार का सबसे मोस्ट पॉपुलर पैलेस में से एक है। तो अभी इससे भी ज़्यादा पॉपुलर पैलेस तो मतलब ग्लास ब्रिज अभी बना है, तो ग्लास ब्रिज पर है तो मैं जाऊंगा ही। और तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, जो ऊपर पार करने का जो रास्ता है साइड से ही मतलब एक मना हुआ है, तो देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। यहाँ पे 2 बिस्कुट का 15 रुपया और पानी का 25 रुपया ले रहा है, जो कि एक तरह से सही है क्योंकि काफ़ी रास्ते ये बगल से थे, लेकिन मैं इधर से जा रहा हूँ कुछ अलग ही एडवेंचर करने की कोशिश में। ये साइड से है, अभी मैं वहाँ पे फोटो शूट वगैरह किया था, जो सा मतलब प्लेन एरिया जैसे बनाया गया है। और यहाँ पे संभल के चलना होगा मुझे, यहाँ पे और भी व्यक्ति सब गए हुए हैं, लेकिन मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। अरे बच गया, यहाँ पे सावधानियाँ कुछ ज़्यादा ही बरतनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हाथ देना, मेरे हाथ में ट्राइपॉड है जिसके कारण मुझे चलने में दिक्कत होगा। बोल सकते हैं यहाँ पे एडवेंचर करने का तो कोई एक्टिविटी है नहीं, लेकिन खुद से करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी इससे ऊपर भी जाना है आगे, तो पता नहीं कितना भी ऊंचा है, लेकिन लग रहा है वहाँ पे व्यू पॉइंट होगा शायद। और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत नीचे से आया हूँ, मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ से मैं इधर से रास्ते से आया, उसके बाद इधर चट्टान कुछ तड़पते हुए आया, और यहाँ से जापानी टेम्पल पूरा पूरी तरह से दिख रहा है। और इससे भी आगे जाना है, वो दोस्त मेरा आगे चल निकल चला, मैं भी जाता हूँ जल्दी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, तो यहाँ पे चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रास्ता जैसा बना रखा है, तो मैं उसी रास्ते से होकर चढ़ना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ये शायद अगर कल मिल जाता तो सही था, लेकिन कल मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। कल अगर मैं आता तो शायद बढ़िया था, जल्दी आ जाता। अभी यहाँ पे तो आया हूँ तो ऊपर चढ़ के ही जाऊँगा। जूता आप अगर पहने हैं तो सही से ऊपर चढ़िएगा, और यहाँ से जंगल झाड़ कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है मुझे, देख रहे हैं। पता नहीं कि कितना अलाउ है इधर, है नहीं ऐसा करना, अरे अलाउ नहीं है तो हम लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे साइड से चढ़ने का। यहाँ के बारे में कुछ मैं फर्स्ट बार आया हूँ तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कुछ एडवेंचर अपने से खुद से ही कर रहा हूँ, कोई एक्टिविटी वगैरह रहता तो अच्छा रहता। फाइनली यहाँ पे जहाँ पे हम लोग नीचे से देखे थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक सरफेस जैसा बना दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, शायद यहाँ पे कुछ बनाया गया था पहले, क्योंकि यहाँ से साइड से एक और रास्ता जा रहा है, वहाँ पे एक मंदिर जैसा दिख रहा है, जैसे देख पा रहे होगा वो। अब मुझे समझ आया, यहाँ से मंदिर जाने का एक रास्ता बना हुआ है जो मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पे मंदिर जाने का रास्ता है, मुझे मालूम नहीं था ऊपर मंदिर है, तो ट्राई करते ऊपर चढ़ने का। और यहाँ पे सरफेस होना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे सरफेस जैसा बना है ऑलरेडी, तो व्यू पॉइंट बन सकता था क्योंकि यहाँ से पूरे नज़ारे काफ़ी कुल दिख रहा है। और भी कुछ है यार, यहाँ पे पानी की बोतल भी मिल रहा है, ये मुझे मालूम ही नहीं था। यहाँ पे पानी बिस्किट लिए हो, ये काफी ऊपर है। ऊपर कौन सा मंदिर है भैया? महादेव जी का, यहाँ बैठे हमारे महादेव। अच्छा भैया बता रहे हैं, जो पीछे पानी वगैरह लगा रखे है तो बता रहे हैं ऊपर महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ पे एक स्टे आउट करने के लिए एक छोटा सा जगह है। पीते हैं पानी, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ।
यहाँ पे दो बिस्किट का 15 रुपया और पानी का 25 रुपया ले रहा है, जो कि एक तरह से सही है क्योंकि काफी नीचे से ऊपर आ रहा है तो उतना कीमत तो लेगा ही कोई। तो मेरे ख्याल से मैं गलत टाइम पे आया हूँ क्योंकि अभी ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, पसीना पसीना हो जा रहा है। तो यहाँ पे घूमने के लिए ठंडी सही है, लेकिन मेरे पास तो अभी टाइम था तो मैं अभी घूमने आया हूँ। भैया बता रहे थे से आधे ऊपर आ चुके हैं और आधे ऊपर जाने के बाद मंदिर है, पता नहीं देखते हैं मंदिर जाके चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते हैं। तो काफी बड़ा सा पहाड़ और इससे भी पीछे बड़ा पहाड़ है, तो शायद यहाँ पे अगर उधर साइड में भी कुछ है तो अगर यहाँ पे अभी गर्मी के समय में तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे दिन भर ठहरना, लेकिन ठंडी में शायद पॉसिबल हो। तो इधर का माहौल ठंडी का ही है, देख सकते हैं कितना ऊंचे जगह पे है कि यहाँ से सभी चीज़ खेत वगैरह दिख रहा है और बिल्डिंग से बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। और यहाँ पे रास्ते बना रखे हैं तो ये सूखा झाड़ी, अभी लग रहा है मुझे अब पहुँच गया लेकिन काफ़ी समय से चलने के बाद भी नहीं पहुँच पाया। और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा झाड़ी में एक भी चीज़ कोई फलदार नहीं चीज़ था, लेकिन यहाँ पे बेल बहुत ज़्यादा फरा हुआ है, ये मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ, पीछे भी नहीं था और यहाँ पे बेल का पेड़ है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है। तो इतना ऊपर और फल लगना पता नहीं, क्योंकि कोई भी झाड़ियाँ में कोई फल नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी ऊपर चढ़ते हुएगा तो साइड में एक लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड में ही मुझे मिला है, राइट साइड में नहीं, तो एक दो छोटा छोटा कुआं टाइप में है, तो वो मेरे ख्याल से पानी स्टोर करने के लिए होगा, जब बारिश का भी पानी आता होगा तो पानी स्टोर करने के लिए होगा क्योंकि ऊपर पानी का साधन बहुत कम है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, तो दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे मंदिर के पास में आ गए हैं। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, और आगे इससे आगे और रास्ता बना हुआ है तो मैं उससे आगे नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे पास टाइम का भी कम है, क्योंकि वन वेन्यू भी जाना है और इससे भी आगे पहाड़ है, वहाँ तक शायद मैं नहीं चल पाऊँ। चलने को तो चल जाऊँगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्लास ब्रिज का टिकट ले चुका हूँ और बगल में ही वन वेन्यू वन है, तो वहीं पे अभी थोड़ा घूमना है देखना है और इसके बाद ग्लास ब्रिज के पास जाना है, तो शायद मैं इससे आगे नहीं जा पाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा छाँव तो है, वो भी मंदिर बन रहा है तो उसी का छाँव है, और मतलब कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे मंदिर के पास पहुँचे और यहाँ पे दर्शन करते हैं भोले बाबा से, और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं फिर नीचे की तरफ, थोड़ा देर देखेंगे, यहाँ पे बैठने के लिए जगह बना हुआ है तो बैठ सकते हैं, लेकिन धूप इतना ज़्यादा है इससे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है और ही ज़्यादा पसीना हो जाएगा क्योंकि नीचे से आया तो बहुत ज़्यादा पसीना है, ऑलरेडी हो चुका है पसीने पसीने शरीर। तो यहाँ से अब फिर नीचे जाने में जब मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो क्योंकि नीचे आना चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, नीचे जाना कुछ ज़्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दर्शन करते हैं और चलते हैं नीचे, फिर आपको दिखाते हैं वेन्यू वन, जो कि जस्ट तो बोल नहीं सकते, बहुत ऊपर आ चुके हैं तो जस्ट क्या, बस थोड़ी दूर पे है नीचे जाने के बाद है, ऊपर लगभग बहुत ऊंचे पहाड़ पे आया है और इसके जस्ट आगे देख रहे हैं तो मतलब जैसे एक पहाड़ छूटा फिर दूसरा पहाड़ पे आया है, फिर दूसरा पहाड़ से फिर एक तीसरा पहाड़ पे है, क्या पता चौथा पहाड़ भी दिख ही रहा है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से चौथा पहाड़ पे चले जाए। तो आप अगर आ रहे हैं तो आपके पास फ्री टाइम है तो बिंदास घूमिए यहाँ पे और मज़ा लीजिए, मेरे पास तो टाइम नहीं है। और यहाँ पे आपको छाँव वगैरह तो मिलेगा नहीं, एक मंदिर है उसी का छाँव है, और दूसरा अगर आप आ रहे हैं तो मेरा मानना है आप शाम के समय यहाँ पे आइए क्योंकि पहाड़ के उस तरफ आपका जो भी हो पहाड़ का उस तरफ आपका सूरज चला जाएगा तो उधर से किरण इधर आने का कम चांस रहता है, इधर से पूरा डायरेक्ट लग रहा है किरण। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे पहाड़ का जो ब्रह्मकुंड का पहाड़ है उसके ऊपर मैं आपको जो भी एक छोटा सा ब्लॉग बना के भी दिखाया हूँ, तो मिलते हैं फिर से वन वेन्यू वन पहाड़ में, मैं बार बार नाम भूल जा रहा हूँ। तो
थैंक यू जब तक के लिए। तो फाइनली आज यहाँ पे जो ब्रह्मकुंड का पहाड़ी है उसको ब्लॉक करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मेरा नहीं चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉक लंबा हो, क्योंकि मैं इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा लंबे तरीके से चल रहा हूँ, तो इस ब्लॉक को करते हैं यहीं पे एंड।